नमस्कार, इस वीडियो में हम वर्लपूल के माइक्रोवन का डेमो देखेंगे। मॉडल है AMW758IX। इंटरफेस आप देखेंगे, डिस्प्ले बीच में दिया हुआ है। लेफ्ट साइड से हम शुरुआत करने वाले, पहला की अपना स्टॉप कैंसिल का की है, इसके अगला की जो है वो बैक का की है, इसके आगे जाएंगे तो दो की दिए हुए है, दोनों फंक्शन के की है। ऊपर वाला की ऑटो मेनू का है, नीचे वाला की मैनुअल फंक्शन का है। आगे हमारा डिस्प्ले है, उससे आगे जाएंगे तो प्लस माइनस का की है, अप डाउन ऊपर नीचे, जिससे आप टाइम टेम्परेचर वेट अप डाउन कम ज़्यादा कर सकते हैं। इससे आगे जाएंगे तो हमारा ये कंफर्म का की है, जो भी हम सिलेक्ट करेंगे हमें कंफर्म करने के लिए इस की को प्रेस करना है। हमारा पूरा फंक्शन होने के बाद, टाइम टेम्परेचर देने के बाद, इस की से हम हमारा प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। प्ले का बटन है, तो पहले फंक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ऑटो मेनू है री हीटिंग का, कंफर्म करने के लिए कंफर्म वाला की पुश करेंगे। री हीटिंग में फूड आया है, फूड का जो भी आपको वेट है आपके फूड का, वो वेट हमें इसे देना है। प्लस माइनस वाले की से हम वेट इसका देंगे, 500 ग्राम मैंने दिया है। कंफर्म करेंगे और स्टार्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे डोर लिखकर आ रहा है, ये बता रहा है कि आपको इसमें फूड रखना है। अब हम इसे प्ले करेंगे, ये स्टार्ट हो चुका है। इसी तरह हम अगला फंक्शन देखेंगे। ऑटो मेनू में पहला जो है री हीटिंग, उसका अगला है डिफ्रॉस्ट का फंक्शन। डिफ्रॉस्ट करने के लिए डिफ्रॉस्ट हाईलाइट करेंगे, कंफर्म की से एक बार कंफर्म करेंगे, डिफ्रॉस्ट का जो भी फूड है उसका वेट देंगे हम, वज़न जो भी है उसका वेट सेट करेंगे, कंफर्म करेंगे और प्ले करेंगे। ये डिफ्रॉस्ट प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। अगला हमारा फंक्शन है क्रिस्प का, क्रिस्प इसे सेट करने के लिए एक बार कंफर्म करेंगे, उसका हमें वेट देना है। वेट से हम प्लस माइनस वाले की से हम वेट देंगे, कंफर्म करेंगे और प्ले से स्टार्ट करेंगे। उसका अगला फंक्शन है कुक, कंफर्म करेंगे, उसका जो भी वेट है वो वेट देंगे और स्टार्ट करेंगे। ये हमारा कुक का फंक्शन स्टार्ट हो चुका है। हम अब अगला फंक्शन देखते हैं। ठीक है, ये हमारे ऑटो मेनू में हमने मेन फंक्शन देख लिए है। पहला हमारा री हीटिंग का आता है, री हीटिंग में हमारा माइक्रो चलने वाला है, डिफ्रॉस्ट में भी हमारा माइक्रो चलने वाला है, क्रिस्प में हमारा माइक्रो चलेगा, टॉप कॉइल चलेगा, बॉटम कॉइल चलेगा, जिससे आपका जो भी फूड है वो क्रिस्प हो जाएगा। कुक वाले फंक्शन में आपका माइक्रो चलेगा विथ ग्रिल टॉप कॉइल। हम अभी मैनुअल वाला देखते हैं मेनू। मैनुअल वाले में पहला आपका माइक्रो आ रहा है, इसका पावर लेवल ब्लिंक कर रहा है, ये डिफ़ॉल्ट पावर लेवल है, री हीटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। और जो भी कुकिंग है नॉर्मल, इसके लिए करेंगे। अगर आपका हेवी कुकिंग है, मटन चिकन, उसके लिए हमें पावर लेवल बढ़ाना होगा। अगर वेजिटेबल्स है तो आप 650 पे इसे सेट कर सकते हैं। एक बार ये पावर लेवल कंफर्म करेंगे, टाइम का ब्लिंक कर रहा है, हमें टाइम सेट करना है, टाइम देंगे और प्ले के बटन से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा माइक्रो स्टार्ट हो चुका है। अगला फंक्शन हम मैनुअल में देखते हैं। अगला वाला फंक्शन हमारा मैनुअल में क्रिस्प वाला ही फंक्शन है, बस इसे आपको मैनुअली टाइम देना है, टेम्परेचर सेट करना है, ये स्टार्ट हो जाएगा। हम अभी इसे टाइम देंगे और प्ले से स्टार्ट करेंगे। ये क्रिस्प वाला फंक्शन हमारा स्टार्ट हो चुका है। अगला हमारा फंक्शन ग्रिलिंग का है, ग्रिलिंग के लिए हम टाइम देंगे, इसको कंफर्म करेंगे और स्टार्ट करेंगे। ये हमारा ग्रिलिंग स्टार्ट हो चुका है।
अब हम अगला फंक्शन देखेंगे। हमने ग्रिल देख लिया, अभी ये हमारा अगला फंक्शन है कॉम्बी ग्रिल, ग्रिल कॉम्बी। इसे सेट करने के लिए हमें यहाँ पे माइक्रो का पावर लेवल ब्लिंक कर रहा है, पावर लेवल हमें इसे देना है, ये माइक्रो के लिए है। ये पावर लेवल डिपेंड करता है कि आपका कुकिंग 70% या 65% कुकिंग रखना है और 35% ग्रिल रखना है, तो आपको इसके लिए पावर लेवल बढ़ाना होगा। अगर आपको ग्रिल हाई रखना है 70% और माइक्रो 35% रखना है, तो आप इसको कम कर सकते हैं। इसे मैं एक बार सेट करूँगा, एक बार कंफर्म करूँगा। टाइम का ब्लिंक कर रहा है, मुझे टाइम सेट करना है, टाइम सेट करूँगा और प्ले के बटन से। अब यहाँ पर डोर का मैसेज आ रहा है, ये बता रहा है कि आपको इसको इसमें फूड रखना है। अब ये स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट हो चुका है। अब हम अगला फंक्शन देखते हैं, प्री हीटिंग के लिए दिया हुआ फंक्शन है। प्री हीट सेट करने के लिए टेम्परेचर सेट करना है 175 डिग्री। मैं इस पर डिग्री कम कर रहा हूँ, 50 डिग्री सेट करना है, कंफर्म करना है और लिखकर आ रहा है प्रेस स्टार्ट। स्टार्ट करेंगे, ये अभी प्री हीटिंग प्रोसेस चालू हो चुका है। 50 डिग्री होने के बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ये अपना प्री हीटिंग का प्रोग्राम है, यूजुअली एक केक के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपको केक के लिए अगर कोई 180 या 190 डिग्री पे प्री हीटिंग करना है, तो आप प्री हीट करके लेंगे, बाद में कुकिंग के लिए उसको सेट करेंगे। अगला फंक्शन देखते हैं। अगला फंक्शन कन्वेक्शन का है। कन्वेक्शन करने के लिए टेम्परेचर देना है, कंफर्म करना है, टाइम ब्लिंक करेगा, टाइम सेट करना है आपको, जितना भी आपको कुकिंग के लिए लगने वाला टाइम है वो देना है, कंफर्म करना है और स्टार्ट करना है। ये कन्वेक्शन स्टार्ट हो चुका है। अगला हमारा फंक्शन कन्वेक्शन विद माइक्रो, दोनों एट ए टाइम चलेगा। इसमें कन्वेक्शन के लिए आपको इसका टेम्परेचर सेट करना है, कंफर्म करना है। माइक्रो का पावर लेवल ब्लिंक कर रहा है, आपको माइक्रो का कुकिंग 350 तक आप इसमें दे सकते हैं। कंफर्म करेंगे एक बार और स्टार्ट करेंगे। माइक्रो विद कन्वेक्शन कॉम्बिनेशन ये चालू होगा। इसके अगला हमारा आता है सेटिंग मेनू, कंफर्म करेंगे। पहला है लैंग्वेज, दूसरा है क्लॉक, तीसरा है ब्राइटनेस, इको, साउंड, लैंग्वेज। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए एक बार कंफर्म करेंगे, इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज आपको सेट करना है हाईलाइट कीजिए, कंफर्म कीजिए। हमने लैंग्वेज देखा, हम अगला फंक्शन देखेंगे। क्लॉक सेट करना है, यहाँ से भी कर सकते हैं। ब्राइटनेस, डिस्प्ले की ब्राइटनेस कितनी रखनी है कंफर्म करेंगे, हाई रखनी है, मीडियम रखनी है, लो रखनी है, जो भी रखने है उसे हाईलाइट कीजिए, एक बार कंफर्म कीजिए, सेट हो गया। अगला है इको का, कंफर्म करेंगे। इको ऑन रखना है, ऑफ रखना है, हाईलाइट कीजिए और कंफर्म कीजिए। अगला साउंड का है, साउंड ऑन रखना है, ऑफ रखना है, हाईलाइट कीजिए, कंफर्म कीजिए। ये सेटिंग का है, इस तरह आप इसे आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सारे इसके सेटिंग और फंक्शन देख लिए हैं, हमारा डेमो यहाँ पर पूरा होता है। मॉडल है वर्लपूल का AMW 758।